एंजाइम से इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, तो एंजाइम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, कुछ चीज़ें आप लोग प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिएगा, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिएगा सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और सीखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब एंजाइम्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दिस एज लाइक कि किसी भी एंजाइम के पास अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनके पास एक्टिव साइट, अगर मैं बोलूँ यहाँ से सब्सट्रेट बाइंड करता है तो इसके पास जो है एक्टिव साइट भी है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास कुछ अलग अलग बाइंडिंग साइट भी हैं जो कि अदर देन एक्टिव बाइंडिंग, अदर देन एक्टिव साइट, दैट इज एलो स्टेरिक साइट भी पाया जा रहा है, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर ये भी एक्टिव साइट है और ये भी एक्टिव साइट है, अगर इसमें सिर्फ एक्टिव साइट पाया जा रहा है, एलो स्टेरिक साइट नहीं है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन से, आप अब क्या कहोगे कि डेफिनेटली यू कैन से कि दिस शुड बी नॉन रेगुलेटरी। नॉन रेगुलेटरी क्यों? क्योंकि इसमें जो है रेगुलेशन के लिए कोई दूसरा साइट है ही नहीं, ये रेगुलेट करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ओनली टेक्निक यू कैन रेगुलेट विद द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के थ्रू या मिक्स्ड इनहिबिटर के थ्रू आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एलोस्टेरिक साइट जिसके पास होता है, दे आर मोस्टली रेगुलेटरी प्रोटीन और रेगुलेटरी एंजाइम, ऐसे जो होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स में आते हैं। अब ये रेगुलेशन जो है इस एलोस्टेरिक साइट पे बाइंडिंग किसकी होती है वो डिपेंड करता है कि वेदर इट इज़ लाइक प्रोटीन, एंजाइम, कोफैक्टर, व्हाट इट इज़। ये जो है वो आपके क्या हो सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, या यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन कैन बी सबस्ट्रेट, ठीक है, और इट कैन बी मेटल्स ऑल्सो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, सबस्ट्रेट है, मेटल्स, कुछ भी हो सकते हैं। जब आपके यहाँ पे इस एलोस्टेरिक साइट पे जो बाइंड करता है उस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, दैट इज रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? रेगुलेटर, या उसको बोला जाएगा मॉड्यूलेटर। दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट मॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटर बोलेंगे, उसको मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉड्यूलेटर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिवली क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, पॉजिटिव एक्टिविटी को बढ़ाएगा और नेगेटिव एक्टिविटी को घटाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेगुलेटरी एंजाइम हियर। सो रेगुलेटरी एंजाइम में इट कैन बी दैट रेगुलेशन जो हो सकता है वो रिवर्सिबल फैशन में हो या इरिवर्सिबल फैशन में, मतलब किसी भी एंजाइम से जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड कर सकता है, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन, या जो है ये इरिवर्सिबल फैशन में बाइंड कर सकता है। दैट एंजाइम प्लस रेगुलेटर यहाँ पे बाइंड करेगा तो ER बना देगा इरिवर्सिबल फैशन में। रिवर्सिबल फैशन में ज़्यादातर जो होते हैं दे कैन ऑल्सो यूज कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस, मोस्टली आर नॉन कोवेलेंट। मोस्टली जो होते हैं वो नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, दे आर जनरली एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि एलोस्टेरिक एंजाइम डज नॉट फॉलो द माइकलिस मेंसन इक्वेशन, इट फॉलोज इट्स ओन काइनेटिक्स एंड शोज द सिग्मोइडल कर्व। इफ़ यू रिमेंबर हियर दैट माइकलिस मेंसन काइनेटिक्स फॉलोज द हाइपरबोलिक, जैसा कि पिछले उसमें बताया गया है सेशन में कि ये हाइपरबोलिक फॉलो कर रहा था, बट एलोस्टेरिक एंजाइम डज नॉट फॉलो द हाइपरबोलिक कॉन्सेप्ट, इट फॉलोज द सिग्मोइडल कर्व, जैसा कि आपको हीमोग्लोबिन के केस में बताया गया था। हाइपरबोलिक आपको मायोग्लोबिन के केस में बताया गया था। तो हीमोग्लोबिन में ये सिग्मोइडल या वी कैन से दैट एश शेप्ड काइनेटिक्स को फॉलो करता है, एसेप्ट काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी इट इज, इट डज नॉट फॉलो माइकलिस मेंसन, फॉलो इट्स ओन काइनेटिक्स दैट इज एसेप्ट एंड सो द सिग्मोइडल कर्व। इट इज़ यूज फॉर द रेगुलेशन एंड द फॉलोइंग मैकेनिज्म फॉर दिस एलोस्टेरिक प्रोटीन कैन बी कंसर्टेड और सिक्वेंशियल। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका है, सिक्वेंशियल जो होते हैं वी कैन से दैट, इसको हम KNF मॉडल से भी जानते हैं, इसमें हाइब्रिड स्टेट मिलता था, आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसमें जो है हाइब्रिड स्टेट मिलता था, जबकि कंसर्टेड में इसको हम MWC मॉडल बोलते हैं और नो हाइब्रिड स्टेट इज देयर, कोई भी हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है।
हाइब्रिड स्टेट जो होता है यहाँ पे नहीं पाया जा रहा था, ये चीज़ें नहीं चल रही थी। नाउ अब इसके बाद जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो देयर इज़ लाइक जैसा कि एलोस्टिक एक्टिवेशन और इनिबिशन जो है हो सकता था। कोई भी चीज़ देखिएगा कि एक्टिवेशन और इनिबिशन का क्या फ़र्क है। दिस इज़ एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, ठीक है। यू आर सीइंग हियर लाइक अब देखेंगे ये एक्टिव साइट है यहाँ पे, दिस इज़ एक्टिव साइट। ये क्या है, ये एलोस्टिक साइट है। ये है एंजाइम वन, दिस इज एंजाइम टू, एलोस्ट ये दिस इज लाइक। अब देखिएगा जैसे ही कोई भी एलोस्ट्रिक साइट पे इनिबिटर यहाँ बाइंड करेगा, कोई भी इनिबिटर बाइंड किया, ये एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। जैसे डिस्टर्ब हुआ ये सबस्ट्रेट अब कॉम्पैटिबल नहीं होगा बाइंड करने से। जब कॉम्पैटिबल नहीं होगा तो ये जो है अलग हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। सो दिस इनिबिटर कैन बी एनीथिंग। ये जो इनिबिटर है वो कॉम्पिटिटिव हो सकता है, लाइक ये जनरली नॉट कॉम्पिटिटिव इट इनिबिटर लाइक नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं या अदर देन दोज थिंग्स। इसमें इनिबिटर में आपके कहने का मतलब एनी मॉलिक्यूल कैन बी देयर, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो यहाँ पे बाइंड कर सकता है। हम टाइप पे चलेंगे अभी इनिबिटर के केसेस में, एंड दिस कैन बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। ये जो है प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं इस इनिबिटर के केस में। एक्टिवेटर अगेन इट कैन बी एनी कंपाउंड। ये एलोस्टेरिक साइट पे देखिए बाइंड किया, कहाँ बाइंड किया इसने, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया। जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया, ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया एक्टिवेटर आपका, बाइंड करते ही ये जो अल्टर्ड एक्टिव साइट था ये जो है रीफॉर्म होगा, रीफॉर्म या रीफॉर्म होगा, यहाँ पे रीफॉर्म होगा, ये स्ट्रक्चरल चेंज होगा। रीफॉर्म एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को रीफॉर्म करेगा, रीफॉर्म द एक्टिव साइट। जैसे एक्टिव साइट बना, देखिए सबस्ट्रेट विल बी कॉम्पैटिबल हियर, यहाँ पे कॉम्पैटिबल हो जाएगा और कॉम्पैटिबल होते ही बाइंड कर लेगा सबस्ट्रेट आपका। बाइंड करते ही यहाँ पे मैकेनिज्म शुरू होगा। तो ये क्या है, ये एक्टिवेटर है जिसके बाइंड करने से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, और ये इनिबिटर है जिसके बाइंड करने से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रहा है। दिस इज एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और इनिबिशन। सो दिस इज देयर इज टू कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्टेरिक प्रोटीन। एलोस्टेरिक प्रोटीन के ऊपर देखने की कोशिश करिएगा। एलोस्टेरिक प्रोटीन इज लाइक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, वो कॉन्सेप्ट है होमोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक का। होमो और हेट्रो, होमो और हेट्रो, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जब सबस्ट्रेट एक्ट एज मॉड्यूलेटर, सबस्ट्रेट ही मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करने लगे, तो वी सी इट एज अ होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन, ये होमोट्रॉपिक हो जाएगा। अगर अदर देन सबस्ट्रेट है तो, अगर अदर देन सबस्ट्रेट हो जाएगा तो इट शुड बी हेटरोट्रॉपिक। अदर देन सबस्ट्रेट एज अ मॉड्यूलेटर काम कर रहा है, तो देखिएगा सबस्ट्रेट एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर अगर काम करेगा तो दिस इज होमोट्रॉपिक, एंड अदर देन सबस्ट्रेट एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर तो इट इज हेटरोट्रॉपिक। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन इट इज पॉजिटिव वी से इट इज अ एक्टिवेटर, एंड व्हेन इट इज नेगेटिव वी से इज एट अ इनिबिटर, इनिबिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, अलग अलग किस्सा होता है। नाउ देखिएगा नॉर्मली जब एक्टिव साइट ये है रिलैक्स्ड है, बाइंडेड फॉर्म में है, जब कोई भी सबस्ट्रेट अपने एंजाइम से बाइंडेड होता है तो वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, और जब वो सबस्ट्रेट से बाइंडेड नहीं होता तो टेंस्ड फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन में भी ऐसा चीज़ आपने देखा था। इस तरीके के देखेंगे मॉडल्स के केसेस में, जो एलो ये है एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट एंड दिस इज एलोस्टेरिक साइट। ये जो साइट है वो आपका एलोस्टेरिक साइट है। तो एलोस्टेरिक साइट में जरा सा देखिएगा कि एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट बाइंड किया, एक्टिव साइट में बाइंड किया, बाइंड करने पे यही जो है ये दूसरे सबस्ट्रेट से दूसरे यूनिट को बाइंड कराने में हेल्प कर रहा है। जैसे एक सबस्ट्रेट, फर्स्ट सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड किया तो ये कहा कि दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड करे। जब ये हेल्प कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। जब ये सपोर्ट कर रहा है तो वी कैन से दैट ना, हम इसको एक चीज़ कह सकते हैं कि जैसे ये सपोर्ट कर रहा है तो वी कैन से दैट कि सपोर्ट करेगा तो कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है,
कौन सपोर्ट कर रहा है? सबस्ट्रेट कर रहा है इटसेल्फ एज अ मॉड्यूलेटर, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है। तो पहली बात तो ये एलोस्टेरिक हो गया, उसके साथ साथ एक्टिवेटर का काम कर रहा है, होमोट्रॉपिक है और कंसर्टेड मॉडल है। होमोट्रॉपिक और देखिएगा पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है एक्टिवेटर, होमो है, होमो का मतलब सबस्ट्रेट काम कर रहा है, पॉजिटिव का मतलब इट्स एक्टिवेटर, एक्टिवेट कर रहा है, एंड कंसर्टेड मॉडल है, एक साथ उसको रिलैक्स्ड में लेके जा रहे हैं। नाउ ये देखिए कि यहाँ पे कंसर्टेड मॉडल है। अब इसमें देखिए सबस्ट्रेट बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जब कोई एलोस्टेरिक प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड किया, दिस एलोस्टेरिक प्रोटीन कहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट पे, जैसे ही बाइंड किया, बाइंड करने के बाद ये इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। देखिए जब एक एलोस्टेरिक प्रोटीन यहाँ आया, उसके बाद इसने इस सबस्ट्रेट की अफिनिटी को भी बढ़ाया कि तू भी बढ़ जा, इसकी अफिनिटी को भी बढ़ाया साइड वाले पे, तो ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग अफिनिटी को साइड वाले पे बढ़ा रहा है। दिस इज हेटेरो बिकॉज इट इज एलोस्टेरिक प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स द फंक्शन, प्लस है तो एक्टिवेटर है, सिक्वेंशियल मैनर में एक एक करके काम कर रहा है। अगेन अगर इसी एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर आके बाइंड किया, ये देखिए एक्टिवेटर था, ये इनहिबिटर था, यहाँ पे जैसे ही इनहिबिटर आके बाइंड किया, ये इनहिबिट कर दिया, तो ये काम हो गया। तो दीज आर द केसेस जो आप होमोटॉपिक और हेटरोटॉपिक को आप समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आ जाता है जो कि दो मॉडल, ये ऑलरेडी आपसे एक्सप्लेन्ड है, सिक्वेंशियल KNF मॉडल, हाइब्रिड स्टेट। जब मैं हीमोग्लोबिन डिस्कस किया था तो मैं इस मॉडल के बारे में बता चुका हूँ कि सिक्वेंशियल मॉडल जो होता है उसमें एक एक करके स्टेप, पहले ये चारों के चारों जो थे वो टी मॉडल में थे, उसके बाद एक आर हुआ, बाकी तीन अभी भी टी पड़े हुए, इसके बाद दो आर हुआ क्योंकि ये इसको कहेगा कि बेटा तू चेंज हो, तो सिक्वेंशियल वे में एक एक करके चेंज करा रहे। फिर ये इसको तो करवा चुका था, ये अब इसको करेगा सिक्वेंस वे में, ये भी आर हो गया, अब ये इसको करेगा और ये भी आर हो गया। तो दिस शुड बी लाइक रिलैक्स स्टेट, और रिलैक्स्ड कब है, जब सबस्ट्रेट बाइंडेड है। दिस इज द केस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो सेचुरेशन था 2.8 पे आ जाता था, 70% सेचुरेशन होता था। कंसर्टेड में सारे के सारे टेंस्ड मॉडल एक ही साथ जो होते थे वो रिलैक्स्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द मॉडल फॉर एलोस्टेरिक प्रोटीन। ग्राफ एज यू नो दैट दिस सिग्मोइडल, दिस इज द नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल चल रहा था लेफ्ट एंड राइट। कोई भी अफिनिटी जो होता है अगर पार्शियल प्रेशर ओ पे और सेचुरेशन परसेंट देखे, तो राइट वर्ड जब यहाँ पे आपको एक कोड भी बताया गया था, होप यू रिमेंबर दैट कोड, DRIL। अगर चाहे वो सेचुरेशन अफिनिटी किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन की बात की जा रही है, उसके मैकेनिज्म की बात की जा रही है, तो अफिनिटी अगर कोई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो अफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, अफिनिटी हो या एक्टिविटी हो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर कोई कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे अफिनिटी या एक्टिविटी जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे अफिनिटी यू कैन यूज इट और एक्टिविटी यू कैन यूज, बोथ इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये जो है ये केस चलेगा, चाहे हीमोग्लोबिन हो या कोई भी एलोस्टेरिक प्रोटीन की बात करते हैं। नाउ ये अगर समझ में आ गया हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज लिगेंड बाइंडिंग, लिगेंड और रिसेप्टर के भी कुछ बाइंडिंग होती है, स्टैकर्ड इक्वेशंस, यहीं पे साथ में डिस्कस कर देता हूँ सो दैट यू कैन गो सी कि, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो स्टैकर्ड इक्वेशंस बिकॉज देयर इज सम, अगर आप बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देयर आर सम रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पास लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है, दीज आर द रिसेप्टर, रिसेप्टर के पास जो होता है लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है, कोई लिगेंड से ये बाइंड करता है, इट्स वेरी सिंपल। अब लिगेंड रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं ना, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक काइनेटिक मैकेनिज्म होता है, उसी काइनेटिक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है स्टैकर्ड इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन इज लाइक एम प्लस ए, वेयर इट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल दैट शुड बी लिगेंड, एंड ए इज लाइक ये जो एवरेज नंबर ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल, एंड ये माइक्रो मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। यू कैन यूज इट लाइक कि मैं इसको आर और एल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप लिगेंड यहाँ पे लिगेंड के लिए एल ले लो, रिसेप्टर के लिए आर ले लो, तो लिगेंड और रिसेप्टर जब जुड़ेंगे, दैट लिगेंड जुड़ेगा रिसेप्टर से, तो क्या बनाएगा, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी बात है। दैट उसी तरीके से एक मैक्रोमोलिक्यूल जुड़ा, एम ए बनाया, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाई एम इंटू ए। अगर हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम बात करें तो सिमिलरली एल आर
डिवाइडेड बाई एल प्लस एल नॉट प्लस एल और आर हो जाएगा। सो एग्जैक्टली अब ये चीज समझने की बात है, लिगेंड रिसेप्टर बाउंड अनबाउंड और फ्री, ये देखने की बस ध्यान देना। ये क्या है, ये जो है ये लिगेंड है, ये जो है दैट शुड बी लाइक बाउंडेड लिगेंड है, ये जो होगा ये होगा बाउंडेड लिगेंड, ये हो जाएगा बाउंडेड लिगेंड, ये हो जाएगा आपका क्या, दिस शुड बी लाइक, ये है फ्री लिगेंड, ठीक है, मतलब ये रिसेप्टर है, फ्री रिसेप्टर की तरीके से है और ये नॉर्मली जो है फ्री लिगेंड की तरीके से काम कर रहा है। तो वही चीज़ होती है कि यहाँ पे स्टैकर्ड में ऑलमोस्ट यही चीज़ देखा जाता है एवरेज की, वही बाउंड, फिर आपके सी एम माइनस सी बाउंड टोटल में से एक कर दोगे तो फ्री वाला, दिस शुड बी लाइक फ्री, उसी चीज़ पे आता है स्टैकर्ड प्लॉट का पूरा हिस्सा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में तो ये आपको नेगेटिव प्लॉट की इस तरीके से वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे नोटेशंस इन्होंने मैक्रो मॉलिक्यूल और ए को लेके किया है उसी तरीके से कि मैक्रो मॉलिक्यूल से बाइंड किया, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, फिर बाउंड वाला, फिर आउटसाइड वाला, वही सारा का सारा किस्सा जो चलता है। क्या चलता है कि एग्जैक्टली दैट ये है आपका रिसेप्टर और लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट है, दैट रेशियो ऑफ बाउंड टू अनबाउंड। बाउंड जो है लिगेंड क्या है, वो रिसेप्टर और लिगेंड है, और अनबाउंड क्या है, ये लिगेंड है। इसका जो रेशियो होगा जब इसको हम बाउंड लिगेंड से करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। कैसा आता है, दिस वन, जब दिस इज समथिंग जो इसको लेते हैं तो इसमें एल आर और एल को करेंगे तो एक नेगेटिव स्लोप के साथ इस तरीके से वो चलता रहता है, माइनस के इक्विलिब्रियम और आर, बिकॉज नॉर्मली जो होता है विद द टाइम ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि विद द टाइम जो होता है सेचुरेशन जाता होगा तो बाइंडिंग जो है कम होती चली जाएगी। पहले जो थे फ्री लिगेंड, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, पहले फ्री लिगेंड ज़्यादा थे, विद द टाइम फ्री लिगेंड कम होता चला जाएगा, बाउंडेड लिगेंड बढ़ेगा, इसी वजह से स्लोप जो है इस तरीके के केस में नेगेटिव स्लोप में आ रहा है। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में भी आप देख सकते हो। नाउ अब ये इस तरीके से जब चल रहा था पूरा का पूरा किस्सा, इसमें ये आ रहा है दैट पी एल अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस के पी एल प्लस पी एल अपॉन के नॉट, ये के डी या के डी जो है आपका बाइंडिंग कोफिशियंट या जो आप बात करें वही इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप के साथ, दैट शोज दिस इज नो कोऑपरेटिविटी, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी कोऑपरेटिविटी नहीं है। अगर इससे ये ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा है तो दिस शोज द पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, एंड अगर ये इस तरीके से ग्राफ आया है दिट शोज नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। स्टैकर्ड प्लॉट जब आप लिगेंड की बात करते हैं तो इस तरीके से बाइंड करता है, इट मे बी नेगेटिव, लाइक इनहिबिटर बाइंड करेगा तो स्टैकर्ड प्लॉट या कोऑपरेटिविटी कैसे काम करेगा, तो उसमें ये चीज़ जो हो जाती है कि देखिएगा जब इसमें ये बात होती है तो दिस फर्स्ट वन इज लाइक नेगेटिव कोऑपरेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा फॉर इनहिबिटर, उसके बाद नो कोऑपरेटिविटी एंड दिस इज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, बिकॉज एक्टिवेटर के केस में पॉजिटिव ज़्यादा होगा, लिगेंड के केस में पॉजिटिव ज़्यादा होगा नेगेटिव कम होगा, बट इन द केस ऑफ इनहिबिटर पॉजिटिव कम होगा क्योंकि इसका काम नेगेटिव कोऑपरेटिविटी शो करना है तो वो वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनहिबिटर के केस में ये वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव वन हो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बीच में नो कोऑपरेटिविटी एंड पॉजिटिव शुड बी लेस। फॉर एक्टिवेटर दिस शुड बी लाइक, अगर ये तो था नॉर्मल लिगेंड के लिए, अगर एक्टिवेटर की बात की जाए तो वो इसी चीज़ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो इसमें जो हो जाएगा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा, फिर नो होगा, फिर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनहिबिशन पैरामीटर्स। डिफरेंट डिफरेंट इनहिबिशंस होते रहते हैं और उसमें अलग अलग तरीके के इनहिबिशन होते हैं। इसी येलो स्ट्रिक प्रोटीन पे इनहिबिशन की बात की जाती है, बिकॉज इनहिबिटर कैन बाइंड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स जो कि बाइंड कर सकते हैं, जिसको हम बात करते हैं, सम आर कॉम्पिटिटिव, सम आर नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एंड सम आर अनकॉम्पिटिटिव एंड सम आर मिक्स्ड, ठीक है। अब जो होता है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड, मिक्स्ड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव का कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो उसी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो समझने की कोशिश करिएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव जो होता है ये देखिएगा एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर दिस इज लाइक, ये देखिएगा ये कुछ कौन कौन से केसेस में क्या क्या होगा। एक नॉर्मल एंजाइम के जब एक्टिव साइट पे एक सबस्ट्रेट है
एक इनिबिटर है, दोनों बाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो कंपटीशन क्रिएट होगा। जब एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और सबस्ट्रेट एक ही साइट पे बाइंड करेंगे, कहाँ बाइंड करेंगे? एक्टिव साइट पे। एक्टिव साइट पे फ्री एंजाइम है भाई इससे बाइंड करने के लिए, तो दे विल क्रिएट अ कॉम्पिटिटन, कॉम्पीट करेंगे। द इनिबिटर कॉम्पीट्स विद द नॉर्मल सबस्ट्रेट टू बाइंड द एक्टिव साइट। या हो सकता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पीट कर ही नहीं रहा है, कहेगा कि भैया तुम अपना एक्टिव सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइट पे बाइंड करो, हमको एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करना है। वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, दैट इनिबिटर बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट डज नॉट कम्पीट विद द सब्सटेंसेस। अब अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है? अनकॉम्पिटिटिव ये कहता है कि मैं जो है तभी बाइंड करूंगा जब यहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाएगा। ये कहता है कि तब बाइंड ही नहीं करूंगा जब फ्री हो, या ये केसेस में, इसमें तो ये फ्री एंजाइम से बाइंड कर रहा था। इसमें जो है ये आपके ई हो या ई एस कॉम्प्लेक्स हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से बाइंड कर रहा था, जबकि इस केस में सिर्फ ई एस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। कहता है कि जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तभी इनिबिटर बाइंड्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर स्टिमुलेट्स इनहांस्ड बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, लोअरिंग द केएम, केएम को कम करने का काम करेगा। सो एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म होता है। देखिएगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट और इनिबिटर कम्पीट करेंगे एक्टिव साइट के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट डिफरेंट साइट पे बाइंड करेगा, अनकॉम्पिटिटिव में इनिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम से बाइंड नहीं करता है, नो बाइंडिंग शो करेगा, जबकि ये बाइंड करेगा ई एस कॉम्प्लेक्स से। और मिक्स्ड वाले में, जो कि मिक्स्ड होता है कॉम्पिटिटिव प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव, इसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट कॉम्पीट भी करता हुआ पाया जाएगा एक जगह पे, और दूसरी जगह पे आपके डिफरेंट साइट पे एक दूसरा इनिबिटर दोनों जगह बाइंड कर सकता है। तो इनिबिटर यहाँ भी बाइंड कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। सो एग्जैक्टली दीज आर द केसेज। काइनेटिक्स के डेरिवेटिव पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर दैट, बिकॉज वो थ्योरेटिकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ देखिएगा, यहाँ पे ई एस ई प्लस एस ई एस ई प्लस पी, यही इक्वेशन था जो आपको बताया गया था। फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा कौन? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ई आई। इसके लिए कौन काइनेटिक्स हो जाएगा? के आई हो जाएगा। रिवर्सिबल फैशन में बाइंड कर रहा है, मतलब एलोस्ट्रिक मैनर में काम कर रहा है। नाउ इसमें देखिए कि इनिबिटर यहाँ भी बाइंड कर रहा है के आई से, और इनिबिटर जो है यहाँ भी बाइंड कर रहा है के आई से। तो ये है, ये फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर रहा है, ई एस कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर रहा है। किसमें? नॉन कॉम्पिटिटिव में, जबकि अनकॉम्पिटिटिव में ये जो है सिर्फ और सिर्फ ईएस कॉम्प्लेक्स से कर रहा है, दिस इज द केआई। ठीक है, अब ये सब कुछ बाइंड करेंगे उसी तरीके से, ये बाइंड करेगा सेम लाइक नॉन कॉम्पिटिटिव, ये उस तरीके से काम चलता रहता है। दिस लाइक यहां पे सिर्फ एलोस्टेरिक पे बाइंड कर रहा था, ये दोनों काम करेंगे, यहां पे कॉम्पीट भी कर रहा होगा और इस पे भी बाइंड कर सकता है, दैट इज मिक्स्ड वन। ठीक है, तो दीज आर द केसेस जो चलते रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो नॉर्मली केएम वी मैक्स, वन अपॉन केएम वन अपॉन वी मैक्स चेंज होते हैं। अगर केएम वी मैक्स पता है तो वन अपॉन केएम और वन अपॉन वी मैक्स आप इन्वर्स करके पता कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव में केएम जो होता है वो इंक्रीज होता है, वी मैक्स कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव में केएम इंक्रीज हुआ यानी अफिनिटी कम होती है, वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव में केएम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा होता है। अनकॉम्पिटेटिव में के एम डिक्रीज है, वी मैक्स दोनों डिक्रीज है। एंड मिक्स्ड में बिकॉज कॉम्पिटेटिव का के एम और नॉन कॉम्पिटेटिव का वी मैक्स दोनों कंबाइन करिए, के एम बढ़ रहा था, वी मैक्स जो है घट रहा था। जैसे ही कंबाइन करेंगे ये आपका आ जाएगा। सो एक बार फिर से ध्यान देना, कॉम्पिटेटिव में के एम बढ़ेगा, नॉन कॉम्पिटेटिव में वी मैक्स घटेगा, अनकॉम्पिटेटिव में के एम जो है वो क्या हो रहा है, के एम भी घट रहा है, वी मैक्स भी घट रहा है। एंड नॉन मिक्स्ड वाले में के एम जो है वो बढ़ रहा है और वी मैक्स घट रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई करो तो कॉम्पिटिटिव में कॉन्स्टेंट होता है वी मैक्स, उसके बाद सब में घट रहा है, सिर्फ और सिर्फ के एम एक ही केस में घटता है, वो है अनकॉम्पिटिटिव, बाकी केस में बढ़ता है या कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वन अपन के एम वन अपन वी मैक्स एल बी प्लॉटेड के लिए ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, अगर आपको याद रहोगा तो सारी चीज़ें कर लेंगे। नाउ लेट्स सी हियर, समझने की कोशिश करिएगा कि एंजाइम इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव सब में देखेंगे।
कॉम्पिटेटिव में आई रिजेबल्स टू द सबस्ट्रेट, बाइंड टू द एक्टिव साइट, बाइंड टू द फ्री एंजाइम, वी मैक्स शुड बी कॉन्स्टेंट ईयर, केएम विल बी इंक्रीज्ड, केएम जो हो जाएगा वो इंक्रीज्ड हो जाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट दैट नॉन कॉम्पिटेटिव में नॉट रिजेंबल करेगा, एक्टिव साइट से अलग बाइंड करेगा, वी मैक्स घटेगा, केएम कॉन्स्टेंट है। अनकॉम्पिटेटिव में दोनों घटेंगे, मिक्सड में एक वी मैक्स घटेगा, केएम बढ़ेगा। ग्राफ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है, लेट मी टेल यू हियर, जितने भी इनिबिशंस होते हैं इसमें पैरामीटर कैलकुलेट होता है, दैट इज इनिबिटरी फैक्टर, दैट इज वन प्लस आई अपॉन के आई। ये एक इनिबिटरी कोफिशियंट होता है जहां पे जो चीज बढ़ या घट रही है, ध्यान देना कि दिस अल्फा इनिबिटरी फैक्टर दैट वन प्लस आई अपॉन के आई, ये वैल्यू यूज किया जाएगा जहां पे जो चीज बढ़ रही है। इसको जब भी कोई चीज पैरामीटर बढ़ता है, मान लो कि के एम है, तो के एम बढ़ रहा है तो हम इसको के एम प्राइम और के एम अपेरेंट लिखते हैं। के एम बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगी अल्फा इंटू के एम हो जाएगा इस केस पे। व्हाट शुड बी लाइक, अगर इसमें बढ़ रहा है तो अगर के एम अपेरेंट के ऊपर बात करूं तो दिस शुड बी के अल्फा इंटू के एम, प्रीवियसली के एम का ये चीज हो जाएगा। तो यही जो है आपको यूज करना है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली देखिएगा, जैसे के एम यहाँ पे हो रहा था तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, यू हैव मल्टीप्लाई अल्फा हियर, के अल्फा के एम, यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो अल्फा डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो कम हो रहा तो डिवाइड हो गया, के एम भी कम हो रहा तो डिवाइड हो गया, यहाँ पे वी मैक्स कम हो रहा था तो डिवाइड हो गया, के एम बढ़ रहा था तो अल्फा मल्टीप्लाई हो गया। दीज आर द केसेस, बस वही चीज यूज करना है। देखिए क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, हमेशा ध्यान देना कि इनिबिटर के केसेस है, इन सब चीज केसेस में देखिए, देखिए वी मैक्स दोनों का कांस्टेंट है लेकिन के एम जो है वो अलग हो रहा है। जब आप ग्रीन हरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पे के एम जो है ये प्राइम वाला बढ़ रहा है, पहले से इंक्रीज हो गया। व्हेन यू सी नॉन कॉम्पिटेटिव वन तो इसमें देखिए वी मैक्स रिड्यूस होगा, व्हेन यू सी अनकॉम्पिटेटिव देखिए वी मैक्स रिड्यूस हुआ और के एम जो है वो के एम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ग्राफ होते हैं, इस केस में अगर बात करें तो के एम बढ़ गया और वी मैक्स रिड्यूस हो गया, दिस वॉज समथिंग इस तरीके से जो होगा, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है। ऐसे होगा, देखिए वी मैक्स भी हुआ और के एम भी बढ़ गया। सो दीज आर द केसेस जो चल रहे हैं। एंड इसके अलावा जब हम बात करेंगे, ये तो है माइकलिस मेंशन कैसे चेंज होगा। अगर हम बात करें कि आपके नॉर्मली दीज आर द केसेस जब ये वन अपॉन वी वन अपॉन एस एल बी प्लॉट कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए कोड चलता है। देखिएगा कि ये कॉम्पिटेटिव कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव एक्सिस पे, दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्सिस। नॉन कॉम्पिटेटिव में सारे रेज कहाँ मिल रहे हैं, वो नेगेटिव में मिल रहे हैं। हमेशा नॉर्मल से इनिबिटर की तरफ इस वे में बढ़ता है, ऐसे डायरेक्शन में, डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, हमेशा ध्यान देना। ये है नॉर्मल वन होगा, ये वन इनिबिटर है, ये टू आई, इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो ऊपर चलेगा। ये नॉर्मल होगा, ये इनिबिटर होगा, ये दो इनिबिटर तीन इनिबिटर ऐसे चलेगा। ये नॉर्मल होगा, ये इनिबिटर होगा, ये टू कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से ग्राफ एरो दिखाया गया। कॉम्पिटिटर में पॉजिटिव एक्सिस, नॉन कॉम्पिटिटर में निगेटिव, अनकॉम्पिटिटिव में पैरेलल एंड मिक्सड में इंटरमीडिएट। तो कोड कुछ इस तरीके से है। जब हम बात करते हैं तो यूपी के नाना पाटेकर एम आई का पी सी लेकर आए, ठीक है। व्हाट आई टोल्ड यू दैट यू पी के नाना पाटेकर एम आई के पी सी लेकर आए, ठीक है। व्हाट इज द कोड, ये हमेशा याद रहेगा, दिस इज फॉर अनकॉम्पिटेटिव, दिस इज फॉर पैरेलल एंड फॉर नॉन कॉम्पिटेटिव नेगेटिव मिक्स्ड, एम फॉर मिक्स्ड, आई फॉर इंटरमीडिएट, सी फॉर कॉम्पिटेटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव। यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए, यही है, यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए। अगर आप इस चीज को देखने की कोशिश करिएगा तो मैं एक एक करके बताता हूं। यूपी मतलब अनकॉम्पिटेटिव में हमेशा ये क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा पैरेलल चलेगा, ये नॉर्मल है, ये इनिबिटर है, ये दो इनिबिटर, ग्राफ हमेशा ऐसे चल रहा था जैसा कि आपको बताया गया। तो ये चीज होगी, ये है
अनकॉम्पिटेटिव पैरेलल नाना, मतलब चीजें कहाँ मिलने वाली, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये है नॉर्मल, ये है इनहिबिटर, ये है टू इनहिबिटर, ग्राफ कैसे चलेगा इधर, ये है नाना, ठीक है। इसके बाद किसका पीसी लेकर आए थे, एम आई का, लेट सी एम आई, ये जो है कुछ इस तरीके से चलेगा, ये है नॉर्मल, ये है आई, ये है टू आई, ये देखिए कहाँ मिल रहा है, इंटरमीडिएट पे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एम आई। इसके बाद है पी सी, अब ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके का, एनॉर्मल आई टू आई, ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, ये है पी सी। यही है यूपी के नाना पाटेकर एम आई का पी सी लेकर आए, इनिबिटर का पूरा ग्राफ आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फैंटास्टिक कोड, होप कि आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, सो दिस इज लाइक, देखने की कोशिश करिएगा सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन के केसेस में। तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन में जबकि हाई सबस्ट्रेट जो है कभी कभी इनहिबिट कर सकता है, हाई सबस्ट्रेट कैन इनहिबिट द थिंग, कैन इनहिबिट द रिएक्शन। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, एलबी ग्राफ, ये देखिए दिस इज द सबस्ट्रेट इनहिबिशन, सबस्ट्रेट इनहिबिशन है। प्रोडक्ट इनहिबिशन में प्रोडक्ट जो होता है ये क्या करता है, जो कभी भी ये सबस्ट्रेट बाइंड किया एंजाइम से, जाते जाते ये इंड प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट बाइंड करेगा कहाँ पे, एलो स्ट्रिक साइट पे, प्रोडक्ट बाइंड टू द एलो स्ट्रिक साइट एंड चेंजेस द एंजाइम एक्टिव साइट सो दैट दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एंजाइम विल बी इनहिबिटेड। सो दिस इज द प्रोडक्ट इनहिबिशन। सो होप यू गाइस की समझ में आ गया होगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।